My name is Satish Sharma. I have been a grammar teaching professor for more than 35 years. घबराना नहीं। आज बात करते हैं पार्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारा फोर्थ लेसन है। अभी तक मैंने आपको बताया कि हम जब भी बोलते हैं या लिखते हैं हम वर्ड्स यूज करते हैं और इन वर्ड्स को हम सेंटेंस की फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद बताया सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भाग होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस चार प्रकार के बताए। उसके बाद बताया फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं आज जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली बात सुन रही कि जरूरी क्यों है। मैंने बताया था कि हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करते हैं और कोई तरीका नहीं है हमें कम्युनिकेट करने का, और वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करने के लिए हर एक वर्ड का अपना एक रूल होता है। उस रूल के अनुसार ही उसको यूज किया जाता है। अगर रूल को फॉलो नहीं करते तो वो इनकरेक्ट इंग्लिश होती है। तो हर एक वर्ड का अलग अलग इंडिविजुअली रूल सीखना आसान नहीं है, ना सिखाना ना सीखना, ये संभव नहीं है। तो उसको हमने क्या किया, एक कॉमन फैक्टर लेकर कि भाई एक प्रकार के वर्ड्स ये हैं, इनके लिए सब इनसे एक प्रकार के वर्ड्स के लिए इस कैटेगरी के लिए बस ये रूल आप फॉलो करिए, यानी उस कैटेगरी में चाहे लाख वर्ड्स हो 2 लाख वर्ड हो तो उन सब के लिए वो सेट ऑफ रूल्स लागू होगा। तो उसी को देख ध्यान में रखते हुए हमने पूरे जितने भी स्पीच है यानी वोकेबुलरी है उसको 8 अलग अलग भागों में बांटा है। और उसका आधार क्या है कि सेंटेंस में जो शब्द जैसा कार्य करता है उसको उसी तरह से क्लासीफाई किया गया है। ये 8 है नंबर, इनकी जो संख्या है पार्ट ऑफ स्पीच की वो 8 है। तो अभी इसमें जो देख लीजिए बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसके अंदर। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस और कैटेगरीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका आधार क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर यूज। कहाँ पर, फिर समझाया कि कहाँ पर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में जैसा कार्य करते हैं, कुल मिलाकर 8 प्रकार के कार्य करते हैं सेंटेंस जो वर्ड्स हैं, तो उनको हम अलग अलग 8 भागों में बांटते हैं, 8 कैटेगरी में बांटते हैं। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो क्या करेंगे हम, पहले इनकी आपको 8 की डेफिनेशन बताएंगे, क्योंकि एक पूरा नाउन पढ़ने के लिए दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का भी रेफरेंस आता है, इसलिए सबका एक जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है इत्यादि। तो एक कल इनका एक एक का हम सिंप्लीफाई करेंगे आपको, क्योंकि बड़ा वीडियो ना हो, तो वैसे तो बड़े लॉन्ग वीडियो हमारे पास पहले से ही इसके अंदर है हमारे चैनल में, लेकिन छोटे वीडियो डालने के लिए एक छोटा छोटा चैप्टर हमने लिया है। जैसे आज पार्ट ऑफ स्पीच है, बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कल से इनकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, एक एक की हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।